अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना डिग्री साल अव्वल सेमेस्टर अव्वल उर्दू ज़बान दुबम की निसाबी किताब मुताले अदब के हिस्से नसर में हिकायात के उनवान से सबक दिया गया है और इसके लिखने वाले मज़हर अली ख़ान विला हैं। तो हिकायात किसे कहते हैं, हम सबसे पहले हिकायत की तारीफ़ पढ़ते हैं। तो हिकायत को अंग्रेज़ी में फेबल कहते हैं, जिससे मुराद नज़्म या नसर में कोई मुख्तसर हिस्सा या बयान जिसमें किसी अखलाकी नुक्ते को नुमायाँ किया गया, यानी हिकायत को अंग्रेज़ी में फेबल कहते हैं। और जिसका मकसद क्या है कि नज़्म या नसर की शक्ल में ऐसा कोई हिस्सा बयान करना जिसमें किसी अखलाकी बात को बयान किया गया हो या कोई सबक दिया गया। अक्सर इन हिकायत में जानवरों या परिंदों को इंसानों की तरह बोलते और इंसानों जैसी हरकतें करते दिखाया गया है। तो पहले ज़माने में लोगों को सबक पढ़ाने के लिए ये मुफक्किरीन जो होते थे, हमारे शायर होते थे, तो वो ऐसे किस्से बयान करते थे जिसमें जानवर बातें करते, तोता के ज़रिए से कुछ अल्फाज बयान कर दिए, मैना के ज़रिए अल्फाज बयान कर दिए, बंदर बात करता था, इंसानी आज़ा के ज़रिए से बातचीत होती थी। तो ये उस ज़माने में इंसान अगर बोले तो लोगों के दिल पर असर नहीं होता था, अगर जानवर बोला तो लोग उसकी बात को मान लेते। हाँ, ये जो है कुदरत की तरफ से हमको सबक सिखाया गया। तो ऐसी कहानियाँ बयान की गई जिसमें जानवर बात करते हैं, तो हिकायात इनको कहते हैं। या ऐसे वाक़यात बयान किए जाते हैं जिनसे इंसानों को कुछ सबक दिया जाता है। अगर जानवर बात ना भी करे तो ऐसे छोटे छोटे किस्से होते हैं जिसमें ज़िंदगी की तजुर्बात होते हैं, मिसालें होती हैं और लोगों को कुछ सबक दिया जाता है। ख़यास किया जाता है, यानी अंदाज़ा लगाया जाता है कि असल में ये हिकायतें बहुत पुरानी हैं, शायद उस ज़माने की यादगार हो जब इंसान ख़ुद को जानवरों या परिंदों से बहुत करीब महसूस करते थे। ये सीना बसीना जो है लोगों से ये चलती हुई आ रही कि पहले ज़माने के लोग बोलते थे। असल में इंसान की ज़िंदगी में कोई तजुर्बा हुआ तो उसको बयान किया गया और उससे सबक लिया गया। ये होते होते जो है हमारी मज़हबी किताबों से होते हुए फिर कदीम दास्तानों से होते हुए हम तक पहुँची ये हिकायतें। इन हिकायतों को एकजा करने का काम मशरक़ में हुआ और संस्कृत में पंचतंत्र के नाम से जो किताब मौजूद है वो बहुत पुरानी, मशरक़ से मुराद हिंदुस्तान और एशियाई ममालिक। यहाँ हिंदुस्तान में संस्कृत ज़बान में पंचतंत्र की कहानियाँ वर्के हैं। इनके इस में जो हिस्से हैं ज़्यादातर तवज्जो हुक्मरानी करने की हिकमत अमली पर मरकूज़ है, लेकिन किरदार बिलउमूम जानवर और परिंदे दिखाए गए। पंचतंत्र का दुनिया की बहुत सी ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। मगरिब की अदबी रिवायत में इस अदबी सिन का आगाज़ कदीम यूनान से हुआ। ये जो यूनान में जो है यहाँ पर इसका आगाज़ हुआ और इस कबील की हिकायत का पहला मजमा इसके नाम से 6वीं सदी ईस्वी से मंसूब है। इसके बाद मगरिब के मुख्तलिफ ज़बानों में इस तरह के मुख्तसर बयानियों को नज़्म या नसर में कलम बंद करने का रिवाज चल पड़ा। हिकायत ख्वाह हकीकत पसंदाना हो या खुले या छुपे तन से इबारत, कोई ना कोई अखलाकी सबक देना इसका मकसद है। बुनियादी तौर पर ऐसा किस्सा बयान करना जिससे किसी को सबक देना मकसूद हो उसे हिकायत कहते हैं। हिकायत में किस्सा अहम नहीं होता है बल्कि सबक अहम होता है, कहानी कुछ भी हो सकती है। तो इसके अंदर जो है जो छुपा हुआ तंज है, कोई ना कोई अखलाकी सबक देना इसका मकसद होता है। तमाम उर्दू अदब में हिकायत से लाजमी तौर पर मुराद नहीं कि इसमें कोई अखलाकी नुक्ता मौजूद हो या जानवर परिंदे किरदार बनकर सामने आए। उर्दू दास्तान को तवील दास्तानों के अज्जा को हिकायत के नाम से याद करते हैं। निसाबी किताब में मुताले अदम मज़हर अली ख़ान विला की जानिब से मुरतबा हिकायत को पेश किया जा रहा। तो बुनियादी तौर पर हिकायत हमारी नसर का हिस्सा है और ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं जिसमें जानवर भी बात करते हैं और किस्से होते हैं, और इसका मकसद है लोगों को कुछ ज़िंदगी का सबक पढ़ाना, अखलाकी बात पेश करना। तो मज़हर अली ख़ान विला जो है ये 1800 ईस्वी में कलकत्ते में फोर्ट विलियम कॉलेज क़ायम हुआ था
अंग्रेज़ों को उर्दू पढ़ाने के लिए, तो उनके लिए छोटी छोटी किताबें मुरतब की गई। ये हिकायात की किताब भी उसी का हिस्सा है, ताकि ये कहानियाँ पढ़कर अंग्रेज़ उर्दू में बात करने के काबिल बने। तो मज़हर अली ख़ान विला ने आज इनका तारुफ़ देखते हैं। मज़हर अली ख़ान विला का, उनका असल नाम मिर्ज़ा लुत्फ अली था, मगर मज़हर अली ख़ान के नाम से मशहूर हुए। उनके वालिद का नाम सुलेमान अली ख़ान था और दाद तखल्लुस करते थे वो। उनके वालिद फ़ारसी के अच्छे शायर थे। मज़हर अली ख़ान का जो है वतन दहली था, और मज़हर अली ख़ान विला फ़ारसी संस्कृत हिंदी के आलिम थे। उस ज़माने में मुगलिया दौर में फ़ारसी थी, संस्कृत भी हिंदुस्तान की कदीम ज़बान और हिंदी थी। मिर्ज़ा जान तेज और मुसहफ़ी के शागिर्द थे। खुश किस्मती से उनको भी फोर्ट विलियम कॉलेज में जगह मिल गई। तो जैसे कहा गया कि मज़हर अली ख़ान विला को फोर्ट विलियम कॉलेज बुलाया गया था कलकत्ता में। इस कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम जान गिलक्रिस्ट था। तो उसने हिंदुस्तान के ऐसे अदीबों को जमा किया जो अंग्रेज़ों के लिए सादा ज़बान में कुछ लिख सकते। यहाँ रहकर उन्होंने बहुत सी किताबों का तर्जुमा किया, मसलन माधो नल और काम कंडला, मोती राम करवेशर का हिंदी किताब का तर्जुमा जो 1802 में हुआ, हफ्त गुलशन नासिर अली ख़ान की फ़ारसी किताब का तर्जुमा 1802 में किया, बेताल पच्चीसी बेताल नामे एक शख्स की 25 कहानियाँ संस्कृत में लिखी गई थी, फिर किसी ने ब्रिज भाषा में इसको मुंतकिल किया, विला ने ब्रिज भाषा से उर्दू में तर्जुमा। ये उर्दू से पहले जो है एक ज़बान थी ब्रिज भाषा, ब्रिज यानी आगरा के तरह। तारीख शेर शाह विला ने फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा किया, ये 1805 में हो। जहांगीर नामा तुजा के जहांगीरी का एक हिस्सा है, इसका तर्जुमा इन्होंने किया। विला का एक दीवान भी उर्दू में है मगर नायाब है, शामिल निसाब हिकायतें हफ्त गुलशन से ली गई है। ये ख़ास बात क्या है, हफ्त गुलशन नामी उन्होंने जो किताब है नासिर अली ख़ान की फ़ारसी किताब, इसका 1802 में तर्जुमा किया था, यह हिकायतें उस किताब से ली गई हैं। तो आइए देखते हैं कि पहली हिकायत क्या है। पहली हिकायत का उनवान है शिकम और आज़ाए बदन का मुबाहसा। शिकम से मुराद इंसानी जो जिसमें पेट है, इसमें ग़िज़ा जमा होती है, हज़म होती है। आज़ाए बदन जिसम के दीगर हिस्से। अब इसके ज़रिए जो है मिर्ज़ा अली लुत्फ ने, मज़हर अली ख़ान विला ने एक सबक देने की कोशिश की। तो ये क्या है हिकायत, तेरे लिए करते हैं और तेरे वास्ते ये सब दुख भरते हैं, हमें इससे क्या फ़ायदा और तुझसे क्या नफ़ा, आखिर को सब ने ये ठहराया। ये असल में जो है एक तमसील है कि ये पेट के जो और जिस्म के आज़ा बात करते हैं और हमको एक सबक देते हैं। तो ये जिस्म के आज़ा पेट से बात कर रहे हैं और कहते हैं कि तेरे लिए करते हैं, यानी हाथ क्या करता है, ग़िज़ा को एक निवाला बना के मुंह में रखता है, दांत चबाते हैं, ज़बान को मज़ा आता है, हलक निकलता है, तेरे वास्ते ये सब क्यों करते हैं कि पेट में जाए, हमें इससे क्या फ़ायदा और तुझसे क्या ना। अब हाथ दांत वगैरह सब बोले तेरे को मज़ा आ रहा, हमको क्या मिल रहा, आखिर का सपने था। हाथ ने कहा कि आज निवाला ना उठाऊँगा, देखो तो क्यों कर खाता है। अब पेट तो अंदर है और हाथ बुला के मैं निवाला नहीं उठाऊँगा। दहन ने कहा मैं हरगिज़ लक़मा हलक के नीचे ना उतारूँ। दहन से मुराद मुँह है, देखो किस तरह से तू भरता है। दांतों ने कहा हम रोटी ना चबाएंगे, देखे तो किस तरह हज़म करता। गढ़ सब ने इसी अहद पर अमल किया और ग़िज़ा के पहुंचाने में मदद ना की। तब बेचारे शिकम ने सब्र व शके बाई अख्तियार। अब यहाँ एक बात है कि अगर हाथ पैर जितने भी चीज़ें हैं अगर खाना खाने के लिए मुंह में ग़िज़ा डालने के लिए काम नहीं करेंगे तो पेट में ग़िज़ा नहीं जाएगी। और हम जानते हैं कि ग़िज़ा से हम हमारे जिस्म में तवानाई पैदा होती है और हाथ में पैर में ताकत आती है। अगर हम नहीं खाएंगे तो हाथ पैर का नुकसान है। जब यूँ ही दो तीन रोज़ गुजरे तो सब आज़ा सुस्त हो गए। तीन दिन तक जब वो लोग खाना नहीं डाले मुँह में तो जिस्म कमज़ोर हो गया, पेट तो बेचारा सब्र कर लिया लेकिन हाथ पैर पूरे ढीले पड़े, किसी में कुछ सकत ना रही और खुश्की बदन के पोस्ट पर ज़ाहिर। अब जिस्म में ग़िज़ा नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म की जो जिल्द है उस पर सूखापन आना शुरू। तो ये जो क़िस्सा है इससे सबक क्या मिलता है, फ़ायदा क़िस्से का यह है कि सब नौकरों के लिए लाजिम है
کہ اپنی ولی نعمت کی ذلت کے روادار نہ ہوں اور اپنے سردار کے تین نظر دشمنی سے نہ دیکھیں کہ خرابی اس کی خرابی ان کی ہے۔ یعنی اگر کچھ ملازمین کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو وہ کبھی ہڑتال نہ کریں اور اپنے مالک سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، کیونکہ اگر مالک جو ہے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ناراض ہو گیا تو ان کا نقصان ہے، کیونکہ مالک کے پاس تو پیسے بہت ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح بچے بھی گھر میں ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، کوئی بھی انسان اسکول میں طلبہ اپنے اساتذہ کی نافرمانی نہ کرے، ادارے سے وابستہ جو لوگ ہیں ادارے کے خلاف نہیں کرنا، یہ سبق ہے۔ اب اس کی تشریح دیکھو، مظہر علی خان ولا نے شکم اور اعضائے بدن کا مباحثہ، حکایت میں شکم اور بدن کے دیگر اعضاء کے درمیان ایک مرتبہ ہونے والے جھگڑے کو بیان کیا۔ ایک مرتبہ جسم کے سب اعضاء نے سوچا کہ ہم کوشش کرتے ہیں تو پیٹ میں غذا جاتی ہے، ہماری کوشش سے پیٹ کو طرح طرح کے مزیدار کھانے ملتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ اب ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے پیٹ میں غذا جا سکے۔ یہ سوچ کر ہاتھ مور دانتوں نے پیٹ میں غذا پہنچانے کا عمل روک دیا، پیٹ بھوکا رہ گیا۔ لیکن اس نے صبر کیا، یہ سلسلہ دو تین دن تک چلتا رہا، لیکن پیٹ میں غذا نہ ہونے کے سبب جسم میں کمزوری ہو گئی اور اعضا سست ہو گئے، چمڑے پر خشکی کے آثار دکھائی دی۔ یہ سارا حکایت کا خلاصہ ہے۔ حکایت کا فائدہ کیا ہے؟ اس حکایت سے مظہر علی خان یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ملازمین کو اپنے مالک اور ادارے سے بے وفائی نہیں کرنی چاہیے، مالک سے بے وفائی کرنے سے ان کا ہی نقصان ہوتا ہے، اس کے برخلاف مل کر کام کرنا چاہیے، اسی میں ان کا فائدہ۔ اگر ادارے کو مل کر کام کر کے ترقی پہنچائیں گے، ادارہ ترقی کرے گا اور ان کی تنخواہیں بڑھیں گی، اگر یہ نقصان پہنچائیں گے تو ان کو بھی نقصان ہوگا۔ اور دوسری حکایت کا عنوان ہے خر اور دہقان۔ خر سے مراد گدھا، دہقان سے مراد گاؤں کا آدمی۔ کہتے ہیں کہ ایک گدھے نے ایک روز شیر کی کھال پہنی اور اپنا نام شیر رکھا۔ اب یہ قصہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں ایک شیر گدھا کیا کیا کہ شیر کا چمڑا پہن لیا اور اپنے آپ کو شیر بولے، غرض اس کی وجہ سے ہر روز جنگل میں گزرا۔ ایک روز ایک گنوار کا اس جنگل سے گزر ہوا اور اس کے پاس آیا۔ گدھا جس طرح وحشیوں کو ڈراتا تھا، اسی طرح اس گنوار کو بھی ڈرانے لگا۔ تو روزانہ گدھا کیا کرتا تھا؟ شیر کی کھال پہن کر جانوروں کو ڈراتا تھا، میں شیر ہوں میں شیر ہوں۔ دہقان نے کہا، اے خر، تو شیر کی کھال پہن کے بیچارے وحشیوں کو ڈراتا ہے، لیکن میں دو کانوں سے اور تیرے ہاتھ پاؤں سے تجھ کو پہچان چکا ہوں، کیوں تو مجھ کو بازی و فریب دیتا ہے؟ اتنا کہا اور غصے سے ہو کر ایک لٹ اس کے سر پر پھرا کر مارا کہ سر اس کا پھٹ کر بھیجا نکل پڑا اور بے ہوش ہو کر زمین پہ گرا۔ فائدہ قصے کا یہ ہے کہ جو سلا ہوئے اتنا ہی کام کرے اور اپنی ہاتھ سے زیادہ نہ کرے۔ یہ جو مظہر علی خان کا جو قصہ ہے، یہ بیان کہ گدھا شیر کی کھال پہن کے جنگل کے جانوروں کو ڈرا رہا تھا میں شیر ہوں، لیکن حقیقت میں وہ گدھا ہی تھا، کان اور پیروں سے پہچان لیا۔ جانور تو ڈر گئے، لیکن انسان جو عقل رہتی ہے اس کے پاس، تو ایک گاؤں کا گنوار آدمی جب گزرا تو گدھا بولا میں شیر ہوں، تو انہیں پہچان لیا، ارے شیر نہیں ہوتا، دھوکہ دے رہا۔ تو ایک گاؤں والے نے لٹ اٹھائی اور اس کے سر پہ زور سے مارا تو گر کے بے ہوش۔ تو یہ چھوٹی سی کہانی بیان کرتے ہوئے ہم کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بنایا ہے وہ ویسے ہی رہنا چاہیے، گدھا گدھا ہی رہنا چاہیے، بندر بندر ہی رہنا چاہیے، خرگوش خرگوش رہنا چاہیے۔ اور اسی میں انسانوں میں سبق ہے، انسان میں بھی انسان، اگر مرد ہے تو مرد رہنا، عورت ہے تو عورت رہنا، ادھر کا ادھر کپڑے پہن لیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ڈاکٹر کے کپڑے پہن لیا کوٹ تو ڈاکٹر نہیں ہوتا، اگر کوئی وکیل کا لباس پہن لیا تو وہ وکیل نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اب اس کا تفصیل دیکھیے، مظہر علی خان ولا اس حکایت میں گدھے اور ایک دیہاتی کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک گدھے نے شیر کی کھال پہن لی اور اپنا نام شیر رکھ لیا، جانور اس سے ڈرنے لگے۔ ایک مرتبہ جب گدھا جنگل سے گزر رہا تھا، تب اس کا سامان ایک دیہاتی کے اس کا سامنا ایک دیہاتی کسان سے ہوا۔ گدھے نے شیر بن کر اسے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن دیہاتی نے گدھے کے کانوں سے اسے پہچان لیا اور اس نے لکڑی لے کر زور سے گدھے کے سر پر مارا، گدھا بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ حکایت کا فائدہ، اس قصے سے
ये मालूम होता है कि खुदा जिसको जिस हाल में बनाए उसी हाल में रहना चाहिए। कोई शेर की खाल पहनकर शेर नहीं होता। अगर कोई ऐसा करे तो उससे कोई नहीं डरेगा, उल्टा नुकसान उठाने का अंदेशा होगा। ये बुनियादी बात है कि कोई किसी का भेष बदल ले तो वो उस तरह नहीं हो जाता। अगर कोई इंसान है नॉर्मल, तो आलिम का बुज़ुर्ग का लिबास पहन ले, दाढ़ी लगा ले, तो बुज़ुर्ग नहीं होता। ये जो है इस कहानी के अंदर बात रखी है। दो यार के अनुमान से एक और हिकायत सुनते हैं। दो यार थे कि आपस में कमाल दोस्ती रखते थे और कहते थे कि एक दिल होना खूब है कि अगर कोई दुश्मन सर पर हमारे आए तो हाथ उसका ना पड़े। दो गहरे दोस्त थे और कहते थे कि हम दो हैं लेकिन दोनों के दिल मिले हुए, ऐसा अगर मिल के रहेंगे तो कोई दुश्मन हम पर हमला ना करे। एक दिन शहर के बाहर कुछ काम करते थे कि हज़ाकार एक रीछ जंगल में नमोदर, वो जंगल में कुछ काम कर रहे थे कि एक अचानक रीछ आ गया। इन दोनों में से जो चुस्त और चालाक था दरख्त पर चढ़ गया और दूसरा बेचारा जान के डर से मानिन मुर्दे के ज़मीन के ऊपर लेट गया और दम चुराया। तो कहानी क्या है कि जैसे रीछ आया, एक दोस्त फौरी दरख्त पर चढ़ गया और दूसरा बेचारा क्या किया, ज़मीन पर लेट गया मुर्दे की तरह। अब पहले तो उन्होंने कहा था कि हम मिल के रहेंगे, लेकिन एक चढ़ गया और दूसरे को छोड़ दिया। तो दूसरा जान बचाने के लिए क्या किया कि सांस रोक के लेट गया। इस वास्ते के रीछ मुर्दे को ईज़ा नहीं देता। एक बात उसको याद थी कि रीछ मुर्दा को नहीं खाता, तो इसने ऐसा किया कि मुर्दे की तरह किया। आखिर उसने नज़दीक इसके पहुँच कर सूंघा, जब कुछ हरकत इसमें ना देखी, जाना कि मुर्दा है, फिर रहा जंगल की। तो रीछ आया उसके करीब, सूंघा, ऐसा लगा कि वो कुछ कान में कह रहा है। इस दम यार उसका दरख्त से उतर कर आया और कहने लगा, अरे यार रीछ तेरे कान में क्या कहता था। अब ये रीछ चले गए बाद जो दरख्त से चढ़ा था वो नीचे उतर कर कहता है कि तेरे कान में रीछ ने क्या कहा था। तो जो निचला वाला दोस्त जो ज़मीन पर लेटा था उसको गुस्सा आया, उसने कहा मुझसे ये कहता था कि ऐसे बेवफा यार से दोस्ती ना कीजिए। ये एक जुमला बोलते हुए उसने तंज किया कि तूने मुझे छोड़ दिया और ख़ुद चढ़ गया। फ़ायदा किस्से का यह है कि जो कोई अपने खौल करार पर साबित ना रहे, साथ उसके दोस्ती रखना नहायत नाज़ुक। ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए जो वादे पर कायम ना रहे, बात पर कायम ना रहे। तो हमको अच्छे दोस्त को अख्तियार करना चाहिए जो मुश्किल में काम है। इस शिकायत की तफसील यह है, मजहर अली खान विला ने इस शिकायत में दो दोस्तों का किस्सा बयान किया जो किसी काम से शहर से बाहर गए थे। अचानक जंगल में एक रीछ बरामद हुआ। एक दोस्त रीछ के डर से फौरी दरख्त पर चढ़ गया, दूसरा चढ़ ना सका, दम साध कर ज़मीन पर लेट गया खामोश। उससे मालूम था कि मरे हुए को रीछ नहीं खाता। रीछ उसके करीब आया और उसे सूंघ कर चला गया। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त दरख्त से उतरा और सवाल किया कि रीछ ने उसके कान में क्या कहा। ज़मीन पर लेटे हुए दोस्त ने जवाब दिया कि रीछ ने मुझसे कहा कि बेवफा यार से दोस्ती ना कर। इस शिकायत का फ़ायदा, इस शिकायत से ये सबक मिलता है कि वक्त पर काम ना आने वालों से दोस्ती नहीं करने चाहिए, और अच्छा दोस्त वही है जो बुरे वक्त में अपने दोस्त के काम आए। अगली हिकायत का उनवान है लुकमान हकीम और उसका एक दोस्त। कहते हैं कि एक रोज़ लुकमान हकीम अपने घर में लड़कों के साथ खेलता था। अब हम लोगों को जानना चाहिए कि हकीम लुकमान कौन है। कुरान शरीफ के 21वें पारे में सूरह लुकमान है जिसमें लुकमान का जिक्र है कि वो बड़ी हिकमत करने वाले इंसान थे। और रिवायत में बात मिलती है कि अल्लाह ताला ने उनसे पूछा था कि आपको पैगंबर नबी बनाए या आप कुछ दूसरा बनना चाहते। तो हकीम लुकमान बोले कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं हकीम बनना पसंद करूँ। तो हिकमत की बात यानी ज़िंदगी में कार आमद बातें, अच्छी अच्छी बातें बयान करना जो इंसानों की ज़िंदगी को फ़ायदा पहुँचे। तो ये हकीम लुकमान एक मरतबा लड़कों के साथ खेलता था और अपना तरद्दुद और तफक्कुर भुलाता था। तो बच्चों से खेलते खेलते वो अपनी थकन को भुलाते थे, गम को, फिक्र को भुलाते। इत्तेफाकन एक दोस्त उसका उस वक्त आ गया और उसको लड़कों के साथ बाजी में मशगूल पाया। कहने लगा, अरे यार
باوجود اس کے کہ فراست میں تو شہرہ آفاق ہے، پھر کس واسطے اپنے احمقوں میں ملایا ہے اور کس سبب سے عقل و فہم اپنے کھوئے؟ جب اس نے دیکھا کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والا حکیم انسان لقمان بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ اتنے مشہور ہیں اور بچوں کے ساتھ کھیل کے اپنی بے عزتی کر رہے ہیں، اپنی عقل گنوا دیے گی. اس نے کہا کس طرح سے؟ لقمان نے پوچھا. تو لقمان کو اس نے پوچھا، اب اتفاقاً ایک کمان اس وقت حکیم لقمان کے پاس، تیر کمان جو ہوتا ہے، تو اس کی کمان چلا اس کمان کا گوشے سے اتار کر اس کے آگے رکھ دی، تو کمان میں لکڑی کے بدے کو گول کر کے بیچ میں دھاگا لگایا جاتا ہے دھاگا، اور تو اس نے کیا کیا کہ وہ دھاگا کھول دیا تو لکڑی سیدھی ہو گئی. وہ حیران ہوا کہ کیا اسرار ہے، اور بولا اے لقمان حکیم، یہ نقطہ عجیب مجھ پر نہ کھلا اور اشارہ ماہم تیرا میرے قیاس میں نہیں آتا کہ تو نے کمان کیوں اتار. اب حکیم لقمان سبق دینا چاہتے تھے، کہا اس نے اگر کمان سزا چڑھی رہے تو سست ہو جائے. تو یہ انسان جیسے روز کام کرتا ہے تو شام میں آرام کرتا، ہفتے میں 6 دن کام کرا تو 7ویں دن آرام کرتا ہے، تو یہ مثال دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں بڑے لوگوں میں رہتے رہتے کبھی تھک گیا تو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں. تو اس قصے کا سب خلاصہ یہ ہے، سبق ملتا ہے حاصل قصے کا یہ کہ سب لوگوں کو واجب ہے کہ ہر ہفتے میں ایک روز اپنے دل کے تیے راحت پہنچاویں، سیر و شکار اور لہو لہاب سے خوش کریں، تو جو مشکل ان کے پیش آئے اس کے حل کرنے میں سستی اور کاہلی نہ ہو. روزانہ زندگی کا جو کام کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر کبھی ہم کو سیر و تفریح کرنا چاہیے. یہ لقمان نے وہ تیر کمان الگ کر کے تاغا اس کو جو ہے مثال دے کر سمجھا. تشریح دے کہ لقمان بڑے حکیم گزرے ہیں، ان کی حکمت کی باتیں مشہور ہیں. ایک مرتبہ وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کے ایک دوست نے دیکھ کر تعجب سے پوچھا کہ اے لقمان، تم بڑے حکیم ہو، تمہاری عقل اور فراست کی باتیں دنیا بھر میں مشہور ہیں، تم ان بچوں کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہو اور اپنی عقل کو کیوں گنوا رہے ہو؟ یہ سن کر لقمان نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے پاس موجود ایک کمان کو تار سے علیحدہ کر لیا، جس کی وجہ سے ٹیڑھی کمان سیدھی ہو گئی. یہ ماجرا دیکھ کر دوست نے اس طرح کی حرکت کی وجہ پوچھی، تو لقمان نے جواب دیا، اگر کمان سے تار مسلسل جڑا رہے تو کمان اکڑ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. یہ مثال دیتے ہوئے لقمان نے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا جواب دیا. حکایت کا فائدہ: بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے لقمان نے یہ واضح کیا کہ انسان کو مسلسل کام کے دوران کچھ آرام بھی کرنا چاہیے. بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنا دل بہلا رہے تھے، کام کے بعد آرام اور آرام کے بعد کام، یہ انسانی زندگی کا طریقہ ہونا چاہیے. اب اگلی حکایت دیکھیے کہ چوہا اور میوہ فروش. کہتے ہیں کہ ایک چوہا برسوں سے کسی ایک میوہ فروش کی دکان میں رہتا اور خشک و تر میووں سے زندگی بسر کرتا تھا. اب یہ کہانی ہے کہ ایک میوہ بیچنے والا جو تھا، اس کی دکان میں سوکھے میوے اور کچے میوے پھل رہتے تھے. دکان میں چوہا تھا، وہ میوے کھاتے ہوئے رہتا. دکاندار اس کی حرکات دیکھتا ٹال دیتا اور اس کا بدلہ نہ لیتا. ایک روز بسبب حوث کے میدہ سفلا دوں کا جو سیر ہوا، ہزاروں شور و شر پر وہ دلیر ہوا. اب یہ چوہا کیا ہے، ایک دن غلط حرکت کر دیا، آخر بسبب حرص کے ہمانی اس دکان کی قطر کر جتنے روپے اشرفی اس میں تھے اپنے بل میں لے گیا. چوہا ہے، اپنی ذات سے مجبور ہے. اس نے کیا کیا کہ ایک تھیلی میں جس میں اشرفیاں رکھے ہوئے تھے قطر یہ سوراخ کر دیا اور اس کے اندر اشرفیاں پکڑ کے اپنے بل میں لے کے چلے. دکاندار نے احتیاط کے وقت جو کیسا ٹٹولا تو مفلسوں کی تھیلی کی طرح خالی ہو. جب یہ جو ہے جب پریشانی میں پڑا انہیں پیسے کی ضرورت ہوئی تو تھیلی نکال کے دیکھا تو اس کی تھیلی ایسی خالی تھی جیسے مفلس کی تھیلی خالی ہو، یعنی کنگال ہو گیا. معلوم کیا کہ یہ کام چوہے کا ہے، تب ناچار ہو کر اس کی جستجو کرنا. اب چوہا کرا بول کے معلوم ہوا، اب کیسے نکالنا اس کے پاس. اتفاقاً ایک روز اسے بلی نے پکڑا. کیا کیا چوہے کو بلی نے پکڑا، اس نے اس کے منہ سے چھڑا ایک ڈور اس کے پاؤں میں باندھ کر چھوڑ دیا. اب چوہا اس کے ہاتھ میں آ گیا، بلی کے منہ میں سے نکال. اب اس کو کیا کیا، یہ اس کے پیروں میں تاغا بن گیا. بلی وہ چوہا فوری جو ہے بل میں گیا،
उसने डोरे को यहाँ तक ढीला किया कि वो बिल की इंतहा को पहुँचा और ठहर गया। तब उसने सुराख को खोदना शुरू किया। जब खोद चुका तो देखता क्या है, मानिन सर्राफों की दुकान के अशरफियाँ रुपये में फैले हुए पड़े हैं, और इनको जमा करके अपने तसरफ में लाया और चूहे की तीय निकाल बिल्ली के हवाले किया, उसने अपने किए का समरा पाया। तो ये जो है चूहे की गलत हरकत से उसकी जान चले गई। मज़र अली खान विलाय हकायत बयान करते हुए लिखते हैं कि एक मेवा फरोश की दुकान में एक चूहा था जो खुश्क और तर हर तरह के मेवे दुकान में से खाता रहता था। दुकानदार उसे नज़रअंदाज करता रहा। एक दिन चूहा हद से बढ़ गया और उसने दुकानदार की अशरफियों की थैली में सुराख कर दिया और उसकी सारी अशरफियाँ चुरा कर बिल में रख दिया। दुकानदार को शक हुआ, उसने बिल खोदकर अशरफियाँ निकाल लीं और चूहे को बिल्ली के हवाले कर दिया। हकायत का फ़ायदा, इस हकायत से सबक मिलता है कि किसी को ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए और जितना मिले उसी पर खिनात करनी चाहिए। ये दो हकायात हमारी निसाबी किताब में दी गई हैं, इनसे जो है हमको बहुत सारा सबक मिलता है। ख़ास तौर से शिकम और आज़ाए बदन का मुबाहिसा में हमको सबक मिलता कि हम जो है जहाँ काम करते हैं उस कंपनी के मालिक से जो है हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए वरना हमारा ही नुकसान हो। दो यार हकायत हैं, उसके अंदर जो है ये बात बताई गई कि मुश्किल वक्त में जो काम आए उसके साथ ही दोस्ती रखना चाहिए। खर और दहकान में ये बात बताई गई कि इंसान को अल्लाह ने जिस हालत में पैदा किया उसी हालत में रहना चाहिए, अपना जो है ज़ात और जिन्स बदलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और चूहा और मेवा फरोश हकायत में ये सबक मिलता है कि इंसान को हिट्स और लालच नहीं करना चाहिए वरना कभी वो पकड़ा जाएगा तो नुकसान होगा। ये जो हकायतें थी, तलबा को चाहिए कि अगर किताब कुतुब खाने में या रेख्ता वेबसाइट पर मज़हर अली ख़ान की जो किताब हफ्त गुलशन मिले तो मज़ीद हकायतों को पढ़ना। स्मार्टफोन के प्ले स्टोर में शेख सादी की हकायात के नाम से किताब है, वो डाउनलोड करके पढ़ना चाहिए और इस तरह की हकायतें जमा करना चाहिए। और कुछ डिक्शनरी जो लुगत होती है उसमें भी कई मुहावरे हैं, इन मुहावरों को जानना चाहिए, कब बोले जाते हैं, क्यों बोले जाते हैं, और इस तरह की हकायतें अपने बच्चों को भी सुनाना चाहिए ताकि हमारे उर्दू अदब का जो कदीम सरमाया है उससे वाकिफियत हासिल हो और हम जो है इन हकायतों से अपने ज़िंदगी में कुछ फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद करते हैं कि हमारे तलबा को इस सबक समझ में आया होगा। तो ये छोटे छोटे वाक़ियात हैं, किस्से कहानियाँ हैं, इनके ज़रिए से हमको मुताले की आदत डालना चाहिए ताकि हमारा मुताले अच्छा हो और हम भी जो है कुछ अफसाने कहानियाँ ड्रामे लिखने के काबिल बने।